जो हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। और इस गेम के अंदर मैंने ऑलरेडी एक डीलरशिप को परचेज कर लिया और वहां पे मैंने काफी सारी सुपर कार्स को भी ला के रख दिया है। लेकिन आज हम खरीदने वाले हैं एक और न्यू लग्जरी सुपर कार। तो गेम के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप सब चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम चलते हैं सीधा अपनी डीलरशिप में। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द कार फॉर सेल। और अभी मैं सो के उड़ चुका हूँ और ये रहा मेरा छोटा सा घर जिसको मैं बाद में अपग्रेड करने वाला हूँ। फटाफट से गेट को कर देते हैं बंद, वरना अपने घर में चोरी भी हो सकती है। वैसे अपने घर के अंदर चोरी करने वाला है क्या? फटाफट चलते हैं अपनी डीलरशिप में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी न्यू डीलरशिप जिसको मैंने कुछ ही टाइम पहले परचेज किया है और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ सुपर कार्स को लाके खड़ा भी कर दिया है। तो फटाफट से भाई दिल थाम के बैठ जाओ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी न्यू डीलरशिप। एक झलक दिखाते हैं, ये रे भाई साहब। लेकिन भाई सामने से दिखाएंगे ना, ये रही अपनी ब्लेज मोटर्स और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी सुपर कार्स को लाके खड़ा किया हुआ है। और ये खड़ी भाई अपनी मस्टैंग जो कि मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए रखी हुई है। और एक सेकेंड भाई, आते डीलरशिप के अंदर कूड़ा। अभी ये किसने डाल दिया यार, पता नहीं भाई वो कौन बंदा जो कि इतनी बड़ी जगह में सिर्फ मेरी डीलरशिप के सामने भाई इतना कचरा फैला के चला जाता है। ये उठाते हैं ट्रैश बैग, इसको डालते हैं फटाफट से डस्टबिन के अंदर। और यहाँ पे एक और कैन थी, ये रे भाई आ जा भाई, तुझे भी फटाफट से डाल देते हैं। और उसके बाद सफाई करते हैं कंप्लीट, अपनी डीलरशिप को भी ओपन करना है। और उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मस्टैंग। तो भाई साहब ये रही अपनी मस्टैंग जो कि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हुई है। लेकिन अभी भाई ये आगे से डैमेज है, इसको मुझे रिपेयर करना है। और रिपेयर करने के लिए मुझे इसे भेजना पड़ेगा भाई रिपेयर वाली शॉप पे। तो देख रहे हो भाई इसका आगे वाला जो पार्ट है ना वो अभी के लिए डैमेज है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले इसे ना रिपेयर के लिए भेज देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं करने वाला हूँ अपने डीलरशिप को ओपन। खुल जा ओपन। ओके, तो देख रहे हो ये खड़ा एक घोड़ा और ये खड़ा एक और, ये दोनों ही मेरी डीलरशिप की रखवाली करते हैं। और ये रही अपनी फेरारी और यहाँ है मेरे पास ऑडी Q7। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही कार है। लेकिन आज मैं एक और नई सुपर कार को परचेज करने वाला हूँ। और ये रहा भाई अपना छोटा सा डेस्क जहाँ से मैं सारी डील्स को अटेंड करता हूँ। फटाफट चलते हैं ऊपर। भाई मैंने ऊपर भी काफ़ी मस्त जगह बनाई हुई है अपनी कार्स को खड़ी करने की। अबे फंस गया क्या भाई, अपनी डीलरशिप के अंदर फंस रहा हूँ भाई। यहाँ मर गया ना कोई बचाने भी नहीं आएगा। ओके, तो सामने का व्यू देख रहे हो कितना ज़्यादा कमाल का है। और यहाँ मैं लाके खड़ी करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा लग्जीरियस सुपर कार। भाई चलते हैं नीचे और फटाफट से लेके चलते हैं पहले भाई अपनी गाड़ियों को धुलवाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए। पहले मैं सोच रहा हूँ मस्टैंग को भाई रिपेयर के लिए भेज देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है। अगर मैं ये गाड़ी लेके जाऊँगा ना बाहर तो भाई लोग क्या सोचेंगे, भाई इतनी बड़ी डीलरशिप मैंने खरीदी हुई है और मैं ये चला रहा हूँ फटीचर गाड़ी। ओके, तो मैंने इसे रिपेयर के लिए भेज दिया है और वो खड़ी अपनी मस्टैंग। फटाफट चलते हैं उस बंदे के पास, उससे जाके बात करते हैं भाई कितना खर्चा आने वाला है अपने भाई मस्टैंग को रिपेयर करने में। आ गया भाई आ गया, रुक जा एक सेकंड, अभी काम मत शुरू करना भाई, कभी मोटा बिल बिठा दे मेरा। ओके, तो सामने वाला पार्ट डैमेज है और मेरे यहाँ पे लगने वाले हैं $46। भाई कर दे यार, पैसा बहुत अपने पास, तू इतने से रिपेयर कर। और मैं जाने वाला हूँ अपनी डीलरशिप में, वहाँ खड़ी है अपनी फरारी। और मैं सोच रहा हूँ अपनी फरारी को भी ना एक बार वॉश करा के ले आते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है। और इसके अंदर मुझे काफ़ी सारी सुपर कार्स और भी ला के रखनी है। देख रहे हो भाई गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, लेकिन गंदी होने के बाद भाई गाड़ी जो है ना कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो भाई पहले अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल भर लेते हैं। लो भाई साहब फ्यूल हमने फिल कर दिया है और अब इस गाड़ी को ले कर चलते हैं सीधा सीधा वॉशिंग कराने। और इसके बाद इस गाड़ी की जो लुक है ना वो 100 times बेटर हो जाएगी। चल भाई इंजन हो गया अपना स्टार्ट और देख रहे हो भाई क्या खतरनाक लग रही है अपनी फरारी। चलो भाई, और भाई स्पीड तो इस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और भाई पूरे रोड पे कोई भी नहीं हमारे सिवाय, और भाई साहब क्या पटाखे मार रही है गाड़ी यार। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, फटाफट से स्पीड ओ करते हैं स्लो क्योंकि भाई ये गाड़ी कहीं भी ठुकनी नहीं चाहिए वरना भाई इसमें भी काफ़ी खर्चा बैठ जाएगा अपना। तो लो भाई मैं अपनी गाड़ी को लेके आ गया हूँ वॉशिंग के लिए। भाई यहाँ पे इसे रुका देते हैं, इंजन ओ करते हैं फटाफट से ऑफ क्योंकि भाई पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा पीती है गाड़ी। उतरते हैं यहाँ से और ये खड़ा बंदा से बात करते हैं, हाँ भाई साहब गाड़ी को चमका दो फटाफट से। ओके, $50 लगने वाले हैं बेटा, गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए वरना भाई दुकान हड़प लूंगा तेरी। और ये रहा भाई साहब गैस स्टेशन और यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ यार इस गैस स्टेशन को ही परचेज कर लेते हैं, पैसा बहुत अपने पास भाई। और अपनी गाड़ी अंदर वॉश हो रही है और देख रहे हो भाई रोड पे क्या सस्ती सी गाड़ी लेके घूम रहे हो भाई, मैं देख रहे हो फरारी चला रहा हूँ। वैसे भाई साहब फरारी है तो अपनी डीलरशिप की ना। ओके, तो अपनी गाड़ी भाई ऑलमोस्ट वॉश होने वाली है, फटाफट से चेक कर लेते हैं आसपास कुछ और है क्या अपने खाने पीने की जगह। ये क्या चीज़ है, आइस, थोड़ी बहुत बर्फ़ दे दे यार गर्मी बहुत हो रही है। नहीं भाई साहब, ओके तो गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट वॉश हो चुकी है। नहीं 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 एक बार मैं चेक करूँगा भाई अच्छे से धोइए क्या, नहीं दिखा भाई। ओ, तो अपनी गाड़ी पूरी वॉश हो चुकी है और अब मैं इस गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ अपनी डीलरशिप में। और ये गाड़ी हमारी डीलरशिप के अंदर 4 चांद लगाएगी। ओके, गाड़ी के इंजन को करते हैं स्टार्ट
और लेके चलते हैं। और भाई गाड़ी का जो साउंड है ना वो कमाल का है, और मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को आराम से लेके चलते हैं। अगर ये गाड़ी दोबारा ठुकी ना तो भाई मुझे दोबारा इसे रिपेयर के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं अपनी डीलरशिप में। और देख रहे हो भाई पूरे रोड पे अपनी ही गाड़ी चमक रही है, और स्पीड में भाई गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी का स्पीड टेस्ट भी करेंगे, लेकिन अभी इस गाड़ी को फटाफट से खड़ी करते हैं अपनी डीलरशिप में, और यहाँ से आराम से भाई आराम से, मैं सोच रहा हूँ ना जो बीच वाला ये सर्कल है ना यहाँ पे खड़ी करते हैं इस गाड़ी को, और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ऑसम होगी। गाड़ी का इंजन वो करते हैं फटाफट से ऑफ और गाड़ी से निकलते हैं, और जाके मैं सोच रहा हूँ एक बार अपनी मस्टैंग को भी चेक कर लेते हैं। मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था भाई, उसने रिपेयर कर भी दिया फिर नहीं, देख रहे हो क्या कमाल की लुक आ रही है। जब ये गंदी थी ना गाड़ी इतनी खास नहीं लग रही थी, लेकिन अब भाई इस गाड़ी ने चार चांद लगा दिया अपने डीलरशिप के अंदर। ओके तो सब कुछ हो चुका है, अब चलते हैं सीधा अपनी मस्टैंग के पास, लेकिन एक बार इसके अंदर फ्यूल ही भर लेते हैं। ओके तो फ्यूल भर दिया है, ये गाड़ी अपनी ऑडी Q7, इसको बाद में रिपेयर कराएंगे, थोड़ा बहुत वॉश भी कराना है। और फाइनली गाइज अब मैं जाने वाला हूँ कार मार्केट, क्योंकि आज हम परचेज करने वाले हैं एक और न्यू सुपर कार, और देखते हैं भाई कार मार्केट के अंदर कौन कौन सी गाड़ी आज आई हुई है। भाई ये रही कार मार्केट, और मुझे अभी भाई बस से जाना पड़ता है। ओके तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कार मार्केट, और यहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इनसे बात करके देखते हैं। हाँ भाई क्या चल रहा है यहां पे, कैसे खड़े हो भाई, हिल तो लो थोड़ा बहुत। और यहां पे काफ़ी सारी गाड़ी आई हुई है, ये भाई मुझे लग रही है ऑडी, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक लग्जरी सुपर कार चाहिए भाई। और यहाँ पे छोटी भाई कैसी कैसी गाड़ी खड़ी है, छोटी सी भाई ये नहीं चाहिए भाई मुझे। ओ ओ तो यहाँ खड़ी है भाई, ये कौन सी गाड़ी है, मुझे लेक्सस लग रही है, और ये खड़ी भाई सुपरा, और यहाँ पे पोर्शे भी एक। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ आज मैं सुपरा को बाय करता हूँ, पहले से बात करते हैं। हाँ भाई साहब क्या दे रहा है डील, भाई कितने की गाड़ी बेच रहा है। ओ ओ तो भाई गाड़ी का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत बार्गेन करते हैं। भाई मैं इस गाड़ी के तुझे देने वाला हूँ, कितने दूँ यार इसे, कुछ ज़्यादा ही मांग रहा है। मैं सोच रहा हूँ 85 में डन कर दूँ क्या यार, चल कोई बात नहीं तेरे लिए भाई 85 8500, एक और जीरो लगा देते हैं। ले भाई साहब 13-85 हज़ार में, भाई क्या बोल रहा है, अब बोल तो ले कुछ, बेच दे भाई बेच दे। ओके तो फाइनली हमारी डील पक्की हो चुकी है, और हमने परचेज कर लिया सुपरा। और पहले चेक कर लेते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर क्या दिक्कतें हैं। ओ तो भाई इसे रिपेयर भी कराना है, मैं सोच रहा हूँ इस सुपरा का ना कलर भी चेंज कराएंगे। और पहले चलते हैं सुपरा के अंदर, और इसको मैं खुद लेके जाने वाला हूँ भाई अपनी डीलरशिप में, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। और इंटीरियर भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा कमाल का है भाई, हट जाओ आगे से भाई उड़ा दूंगा। ओए अबे ओ छोटू ओए हट आगे से, हट ही नहीं रहे भाई, कितने ढीठ हैं यार ये। वाह भाई साहब क्या सुपर पावर इन बंदों के अंदर, गाड़ी बीच में से निकल गई भाई इनके। बस गाड़ी को लेके चलते हैं आराम से। ओ ओ तो भाई गाड़ी का जो एग्जॉस्ट का साउंड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। ओ अबे 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 ड्रिफ्ट मार रही है गाड़ी भाई, आराम से लेके चलना पड़ेगा। वैसे पैसे तो बहुत है अपने पास भाई, भगाएंगे इस गाड़ी को। चलो भाई साहब और गाड़ी की स्पीड पहुंच चुकी है 125 भाई। ओ नहीं 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 भाई, ड्रिफ्ट मारने के चक्कर में भाई गाड़ी ठुक गई ना अपनी, जेब से भाई काफ़ी मोटा खर्चा करना पड़ जाएगा। भाई लेके चलते हैं आराम आराम से इस गाड़ी को। और अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई वॉशिंग एरिया में, और लेकिन मुझे वॉश नहीं करानी गाड़ी भाई, मैं सोच रहा हूं पहले से रिपेयर कराएं। ओ एक सेकेंड भाई, सामने कोई गाड़ी थी नहीं, ये दो गाड़ी कैसे आ गई, और दोनों सेम टू सेम। भाई देख रहे हो अपनी गाड़ी स्लो में भी चलती हुई कितनी ज़्यादा औसम लग रही है। अब फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं रिपेयर के लिए, और वहाँ खड़ी अपनी मस्टैंग, और मस्टैंग को भी जाके दोबारा से अपनी डीलरशिप के सामने यार प्लेस करना है, आई मीन लगाना है। ये आ चुकी है अपनी सुपरा, और भाई इस गाड़ी की लुक ऑलरेडी कितनी ज़्यादा कमाल की है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर भी इस गाड़ी का जो कलर ना उसको चेंज कराते हैं। चलते हैं आराम से अंदर, करते हैं गाड़ी को पार्क। ले भाई मैं एक और लग्जरी कार लेके आ गया हूँ भाई, उतरते हैं इस गाड़ी से फटाफट से नीचे, इंजन कर दिया मैंने ऑफ, आ जा भाई बाहर। ओके तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी से बाहर, बंदे से बात करते हैं। हेलो दोस्त, गाड़ी को रिपेयर करना फटाफट से, बता कितना खर्चा आएगा। भाई गाड़ी के अंदर खर्चा तो है, लेकिन कोई बात नहीं भाई रिपेयर करते हैं फटाफट से, इतनी गाड़ी रिपेयर हो रही है। मैं लेके चलता हूँ अपनी मस्टैंग को फटाफट से अपनी डीलरशिप में, बैठते हैं गाड़ी के अंदर। और गाड़ी भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, साउंड भी थोड़ा बहुत चेंज हो गया गाड़ी का। निकालते अपनी मस्टैंग को फटाफट से बाहर, आराम आराम से आराम आराम से। भाई ठुकरी नहीं चाहिए गाड़ी अपनी, पैसा लगाया भाई मैंने इसके अंदर। ओके तो फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं अपनी डीलरशिप के सामने, और वहाँ पे पार कर देते हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैंने जो सुपरा परचेज किया ना उस पर कौन सा कलर कराया जाए भाई साहब। और देख रहे हो यहाँ सामने ना एक भिखारी बैठा होता है जो कि आज यहाँ पे है नहीं। फटाफट से अपनी मस्टैंग को यहाँ पार कर देते हैं, और अपनी मस्टैंग ना अपनी डीलरशिप के सामने काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है।
फटाफट से इस गाड़ी को करते हैं पार्क, इस गाड़ी करते हैं इंजन को बंद, हो जा ओके, गाड़ी से निकलते हैं बाहर। और अब मैं जाने वाला हूँ सीधा अपनी सुप्रा को लाने के लिए। और ये देखो भाई अपनी डीलरशिप क्या कमाल की लग रही है यार, ब्लेज मोटर्स। ओके चलते हैं सीधा अंदर। और भाई कर दी मेरी गाड़ी रिपेयर? नहीं यार, अभी तक सुप्रा वहीं खड़ी है। और ये रहा ऑटो पेंटिंग शॉप जहाँ पे मुझे गाड़ी पे पेंट करना है। ऑल राइट, तो अपनी सुप्रा ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। थैंक्स भाई, काफ़ी अच्छा काम किया तूने। और गाड़ी देख रहे हो पहले ज़्यादा रिपेयर हो चुकी है, और इसके अंदर भाई जो डैमेज था पूरा खत्म हो चुका है। पहले मैं सोच रहा हूँ गाड़ी के अंदर थोड़ा फ्यूल भर लेते हैं। ओके अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं भाई पेंटिंग के लिए। फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं, और मैं सोच रहा हूँ ना इस पे कुछ यूनिक सा कलर कराएंगे। और आपके हिसाब से सुप्रा पे कौन सा कलर सबसे ज़्यादा सूट करता है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। और फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं बाहर। और ये गाड़ी भाई बिल्कुल भी ठुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ इस गाड़ी का कलर चेंज करवाने। और भाई ऑलरेडी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी का कलर चेंज करा लेते हैं। और ये पड़ी अपनी कुर्सी आराम करने के लिए। ये खड़ा बंदा भाई, मैंने तुझसे कहा था ना मैं अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। और ये आ गई अपनी सुप्रा, फटाफट गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बात करके देखते हैं इससे भाई कितने पैसे लेगा भाई पेंट करने की गाड़ी पे, बता भाई फटाफट से। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन सा कलर सूट कर रहा है। ये वाला नहीं भाई, नहीं आज हम कुछ यूनिक ही करने वाले हैं। पहले मैं चेक कर लेता हूँ भाई, पॉलिश भी चेक करते हैं एक बार, क्योंकि गाड़ी पर मैं सोच रहा हूँ पॉलिश भी करा लेते हैं। और भाई ये है मेटैलिक, और ये है भाई स्मूथ। ओके तो देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है। और थोड़ा बहुत ऐसे कर देते हैं, वाह। और अब बारी आती है गाड़ी पे कलर को चेंज करने की। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कौन सा कलर कराया जाए यार, फटाफट से चेक करते हैं। ये कलर वैसे भाई मैं सोच रहा हूँ ब्लैक कराऊँ क्या? नहीं 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 आज गाड़ी में ब्लैक नहीं कराते, मेरे पास ऑलरेडी मस्टैंग है डार्क शेड में। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ यूनिक सा कलर होना चाहिए जो कि दूर से चमके। भाई पीला करा दूंगा इस पे। ओ भाई ये कलर काफ़ी कमाल का लग रहा है, फटाफट से भाई यही कलर करा देते हैं। इसको देते हैं पैसे, ले भाई ये कलर करते हैं अपनी गाड़ी पे। और भाई गाड़ी की लुक काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है। लो भाई $300 दे दिए और गाड़ी अभी हो चुकी है पेंट। अब इस गाड़ी को फटाफट से लेके चलते हैं अपने डीलरशिप में। भाई काम बहुत बढ़िया करता है भाई तू, एक दिन मैं खरीद लूँगा ना सारा कुछ तुझे अपने पास काम पर रखूँगा। ओके गाड़ी को फटाफट से लेके चलते हैं अपनी डीलरशिप में। भाई ठुकनी नहीं चाहिए गाड़ी, आराम से निकालते हैं पहले बाहर। आ जा। ओ भाई गाड़ी की जो लुक है ना भाई काफ़ी कमाल की आ रही है। और लो भाई रात हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं गाड़ी अपनी पेंट हो चुकी है। और भाई रात में भी गाड़ी बहुत चमक रही है यार। और भाई ये कलर भाई सुप्रा पे एकदम सूट कर रहा है। अब फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं अपनी डीलरशिप में और जाके इसको पार करते हैं, और बाकी काम मैं सोच रहा हूँ कल करने का। ओके गाड़ी स्पीड करते हैं स्लो, और इसको लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। फटाफट से इसको यहाँ पे पार कर देते हैं। भाई देख रहे हो काफ़ी ख़तरनाक लग रही है अपनी गाड़ी, थोड़ा पीछे से देखते हैं, यहाँ से चेक करते हैं एक बार। ओके तो गाड़ी की लुक एक नंबर आ रही है, फटाफट निकलते हैं बाहर। और अब मैं करने वाला हूँ अपने ऑफिस को क्लोज़। चलो भाई साहब ऑफिस मैंने कर दिया है क्लोज। और देख रहे हो भाई रात कितनी ज़्यादा हो चुकी है, और रात होते यहाँ पे सारे बंदे गायब हो जाते हैं। ये खड़े अपने हॉर्सेस, भाई रखवाली कर लेना सही से, अपनी एक भी गाड़ी यहाँ से चोरी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं फटाफट से आराम करने के लिए। ये रहा अपना कंटेनर भाई। भाई मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, और कल जाके मुझे सुप्रा को सेल पे भी लगाना है। और देख रहे हो कोई कह देगा मैं इतनी बड़ी डीलरशिप का मालिक हूँ, लेकिन मैं इसमें रहता हूँ छोटे से कंटेनर में, खिड़की के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आगे चलकर हम इसको भी अपग्रेड करने वाले हैं। अब जाके फटाफट से सो जाते हैं। लो भाई साहब आ चुके अपने छोटे से घर में, और चलते हैं भाई सोने के लिए। गुड नाइट।